तो रेड कार्पेट पे मेरे साथ है बहुत ही गॉर्जियस भूमि पेडनेकर. स्वागत है आपका लोकमत के मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड में. सबसे पहले आप बहुत ही गॉर्जियस लग. थैंक यू डिजाइनर. यू आर वेयरिंग. आई एम वेयरिंग क्षितिज जलोरी. क्या स्टाइल स्टेटमेंट है भूमि पेडनेकर? यार मेरा स्टाइल स्टेटमेंट ये है कि मेरी पर्सनालिटी मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, सो आई ट्राई स्टेइंग ट्रू टू दैट. बट मुझे लगता है मैं बहुत ही मूडी इंसान हूँ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम फीलिंग, व्हाट वाइब आई एम ट्राइंग टू गिव. सो लॉट ऑफ थॉट गोज इनटू व्हाट आई वेयर एंड आई एम वेरी लकी टू हैव अ ग्रेट टीम वर्किंग विद मी ऑलवेज. भूमि, यू हैव डन अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन. तो कभी ऐसा हुआ कि आपको आपकी बॉडी को लेकर किसी ने कुछ कहा और आपने मस्त जवाब दिया हो? क्या कहना चाहेंगे आप जो और लोग हैं? यार मुझे लगता है बॉडी शेमिंग को लेके सबसे तगड़ा जवाब जो मैं दे सकती थी वो मेरी फिल्म था दम लगा के हैशा. आई डोंट थिंक उससे कड़कता भड़कता जवाब कोई हो सकता है. बट आई हैव ऑलवेज सेड कि किसी ढांचे में खुद को फिट करने की कोशिश ना करें. भगवान ने हर इंसान को एक बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है और आपको अपनी खूबसूरती अंदर से महसूस होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को बाहर खूबसूरत महसूस करेंगे. वो एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ और साथ ही वी हैव अ वेरी डिफरेंट गेम विद यू एंड we have three games with you. Pocho today hum shuru karte hain. Pehla rapid fire. Your first celebrity crush. My first celebrity crush, Shah Rukh Khan. If a male co-actor hit on you, what will be your reaction? I'll be flattered. Only if they're single. Your who's most stylish? Deepika Padukone, Katrina Kaif, Priyanka Chopra, Kangana Ranaut? Deepika. Date with Ayushmann Khurrana, Sushant Singh Rajput or Ranveer Singh? Considering Ranveer and Ayushmann are married, I would pick Sushant. Wildest rumor you have heard about yourself? Wildest rumor that I was wearing a fat suit in Dum Laga Ke Haisha and I felt very bad. That's bad. अगर मैं cover pick की बात करूँ तो अगर आपको उस किसी actor को बताना है कि वो cover pick में हो इस magazine की तो क्या होगा? Sex, drug and rock and roll. I think Ranveer for all his madness. Playboy. Playboy. I'll pass that one. If not an actor, then what? Nothing. I'm meant. अब stylish awards का मौका है. आपको इसमें से एक slip उठाना है. फिल्म का dialogue है लेकिन stylish way में बोलना है. To say in a stylish way. I'll help you. क्या है? कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है लेकिन style way में. कभी कभी लगता है अपनी भगवान है. That was very bad. Okay, now we'll come to this side. अब ये हमने आपके मूड के अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर्स निकाली है. आपको बताना है कि आपका इस वक्त मूड क्या था बेसिकली. सो विल स्टार्ट. विल स्टार्ट. शुरुआत करते हैं इस पिक्चर से. यार नोइंग अक्षय सर, एवरीबडी नोज दैट ही सच अ प्रैंकस्टर. तो उन्होंने यहाँ पे मुझे एक जोक सुनाया था. वो जोक मैं शेयर नहीं कर सकती. नहीं, हमें तो शेयर. वी वांट टू नो द सॉरी गाइस. बट या दिस वाज व्हेन वी वर प्रमोटिंग टॉयलेट ऑफ कोर्स. दिस इज आयुष्मान एंड आई. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. वी आर लिटरली लाइक फैमिली. सो वी आर जस्ट शेयरिंग अ फनी मोमेंट. हमारी फिल्में वैसे भी बहुत ही यू रेटेड होती है तो हम इसलिए हमारा अफेक्शन एक दूसरे को भूल. किस इन द बॉलीवुड हु इज द बेस्ट? किस सर? आई एम. ओके द थर्ड वन. ओ माय गॉड, दिस इज फ्रॉम दम लगा के हैशा. आई थिंक ओवर हियर माय मूड वाज जस्ट. आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट इन रेडी एज अ दुल्हन फॉर द फिल्म, आई जस्ट थॉट आई एम लुकिंग स्टनिंग. आई लव्ड माय सेल्फ. सो आई थिंक दिस इज द कॉन्फिडेंस. शी सेज शी इज लुकिंग स्टनिंग. आई ट्रूली डिड. हाउ अबाउट द नेक्स्ट पिक्चर? दिस वन इज क्वाइट फनी. This is actually click when we were promoting Shubh Mangal Saavdhan, and I don't know if many of you guys can understand, that's like a condom bike. Exactly. Yeah. So that has a lot to do with the theme of the film where we were trying to start a dialogue about sex. Oh my god, that's. And how about this picture, the last one? This is me just appreciating myself. If you see most of my pictures and most of my selfies are at this zone. That's just me being a fashionista and pensive and sexy. Okay. Now Bhumi, we want to know your style pose. Kya hai aapka style pose? And how about your selfie pose? Sexy selfie pose? Wo to bahut hai yaar. Ye, that's my sexy selfie pose. Ek hame karke dikha. Thank you so much for talking. Thank you so much.